हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ समर क्रीम, जो कि हाथों और पाँव के लिए है। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही नेचुरल एंड सिंपल हैं। हमारे जो समर में पाँव ड्राई हो जाते हैं या हाथ हमारे बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं, कलर कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो जाता है, स्पेशली टैनिंग का मसला, गर्मियों में टैनिंग का प्रॉब्लम होता है, वो हमारे हाथों पाँव को भी मुतासर करता है। तो हमने अपनी केयर कैसे करनी है, किचन की इंग्रेडिएंट्स सिंपल होती हैं जिसको हम अपनी केयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उनसे रेमेडीज़ बना सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी केयर के लिए। स्किन केयर के साथ साथ हमारे हाथ पांव बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक मिथ है कि सबसे पहले इंसान को पहचाना जाता है उसके हाथ और पांव से, और सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल भी यही होते हैं। हम इनको निगलेक्ट कर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा फेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, जबकि हाथ और पांव एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं कंपेयर टू फेस। तो हमने अपनी हाथों और पाँव की केयर कैसे करनी है, सर्दियों में भी मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं, गर्मियों में मेरी ट्राई है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर ऐसी चीज़ें करूं जो कि इस गर्मी से और हमारे जो कॉम्प्लेक्शन जो टैनिंग के प्रॉब्लम्स हैं उसको हम दूर कर सकें। तो सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको हमने रेमेडी को कैसे तैयार करना है, कैसे अप्लाई करना है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेमेडी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए जी कोकोनट ऑयल, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। हमें 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल चाहिए, एंड ट्राई करें कि प्योर यूज़ करें, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ये मॉइस्चराइज़र के तौर पर काम करता है। सेकंड, हम लोगों ने 1 टेबलस्पून जी ग्लिसरीन लेनी है। ग्लिसरीन को हमेशा डाइल्यूट करके यूज़ करना चाहिए। बेशक आप लोग इसको कोकोनट ऑयल में यूज़ करें, या अगर आप लोग ग्लिसरीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको विनेगर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें विटामिन ई के 2 कैप्सूल चाहिए, वो हमने ऐड करने हैं। अगर आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप 1 विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने मिक्स करना है। जब तक ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, देन हम लोगों ने एक और हम लोगों ने इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। ट्राई करें कि आप लोग मिक्स इनको अच्छे तरीके से करें। देन हम लोगों ने जी स्पून चेंज करना है, एंड देन फ्रेश एलोवेरा जेल हमने मार्केट की लेनी है इसमें, और उसको भी अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। अब जिनको अपने मॉइस्चराइज़र या समर क्रीम के तौर पर चाहिए, वो क्रीम को अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स करके ये सारी इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी ने नकल्स उनके ब्लैक हो जाते हैं, टैनिंग का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं एक और इसमें चीज़ ऐड करूँगी, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले ये आप देख सकते हैं कि इसको अप्लाई ऐसे करना है, एंड बहुत ही इजी मॉइस्चराइज़र है, अब्सॉर्ब हो जाता है, स्किन बहुत ही यंग हो जाती है, एंड अच्छे तरीके से नेल्स पर भी लगाना है, नेल्स भी आप लोग के बहुत ही स्ट्रांग होंगे, और अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लेना है। अब जिनको चाहिए टैनिंग के लिए, ओ उन्होंने क्या करना है जी, उसमें हम लोगों ने कॉर्न स्टार्च लेना है, ठीक है, कॉर्न फ्लावर नहीं लेना, कॉर्न स्टार्च लेना है हम लोगों ने, एंड पिंच ऑफ, ज़्यादा नहीं, वो पिंच ऑफ लेना है। और हमने इन्हीं सारी इंग्रेडिएंट्स के साथ कॉर्न स्टार्च को एंड पे हमने मिक्स करना है अच्छे तरीके से, वो आपकी एक वाइटनिंग क्रीम बन जाएगी जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इस क्रीम को आप किसी भी टाइम पे यूज़ करें अपने हैंड एंड फीट के लिए। अगर आपके एंकल्स पे भी कोई डार्क स्पॉट्स हैं तो इसको इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, होममेड और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो कि अब्सॉर्ब बहुत इजीली हो जाता है, हम लोग को ज़्यादा अपनी स्किन ऑयली नहीं फील होगी, और ये वाइटनिंग का भी काम करता है, ठीक है। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, एंड इसके रिव्यूज़ जो हैं वो मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें। एंड इसको हम लोगों ने वीक के लिए बना के रखना है, एंड देन यू विल सी योर रिजल्ट्स। ओके, इसको हम लोगों ने अब जी एक बॉटल में, कंटेनर में हम लोगों ने बना के रख देना है, एंड इसको स्टोर कर लेना है। ट्राई करें कि अभी गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोग यूज़ करें जी। ये थी इजी रेमेडी, आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, इसको ज़रूर ट्राई करें, एंड इसको हम लोगों ने 1 वीक के लिए बना के रखना है। इसके अलावा आप हम इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में भी हम किसी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो हमारे हाथों पाँव में स्पेशली ड्राइनेस का प्रॉब्लम होता है, किसी को क्रैक्स हो जाते हैं, हील्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं, अगर आपको कोई पाँव में इन्फेक्शन है या हाथ में कोई इन्फेक्शन है ड्राइनेस की वजह से, समटाइम फंगस हो जाती है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। सारी नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं, इसको ज़रूर ट्राई करें एंड इसके रिव्यूज़ जो हैं वो मेरे साथ लास्ट में शेयर करें। एंड यस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक द बेल आइकॉन, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।